जेसीबी से इस प्रकार से ट्रैक्टर में डाला जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और अभी हम कांवरिया पथ के दुमा बॉर्डर के पास है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी और ट्रैक्टर लगी हुई है। यहाँ पर जो बालू डंप किया हुआ था, मैंने आपको पहले दिखाया था, वही बालू जो है ट्रैक्टर में डाला जा रहा है और ट्रैक्टर से जो है बालू लेकर जाएंगे और कांवरिया पथ में कुछ दूरी पर जो है वो बालू जो है उड़ेल कर रख दिया जाएगा ट्रैक्टर से। उसके बाद जो है और एक जो है गाड़ी आएगी जिससे पूरे जो है कांवरिया पथ में बालू को बिछा दिया जाएगा, जिसमें सभी कांवरिया आएंगे, उनको जो है चलने में सुविधा होगी। तो चलिए हम आज दिखाते हैं आपको किस प्रकार से जो है बालू बिछाने का काम चल रहा है कांवरिया पथ में। साथ ही कांवरिया पथ का और भी वीडियो देखने के लिए और सावन मेले की क्या तैयारी चल रही है ये सारा कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन बेल आइकन ऑन रहेगा तभी। तो सब्सक्राइब ही नहीं करना है, बेल आइकन भी आपको ऑन करना है। तो चलिए सारा कुछ आप कर लीजिएगा और चलिए अब मैं जो है इस ब्लॉग को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कांवरिया पथ में क्या कुछ जो है तैयारी चल रही है सावन मेला 2023 का। ये देखिए, ये रह गया बिहार और झारखंड का बॉर्डर, दुमा बॉर्डर, और यहाँ पर जो है अब कांवरिया पथ में बालू बिछाने का काम प्रारंभ हो चुका है। जो बालू रखा हुआ था उसे जो है ट्रैक्टर से अभी जो है डंप किया जा रहा है। तो आप ये देखिए, इसी प्रकार से जो है हर बार बालू को लिया जा रहा है जेसीबी के द्वारा, बालू को उठाकर इस प्रकार से जो है ट्रैक्टर के जो है डाले पर डाल दिया जा रहा है। और यही जो है ट्रैक्टर अभी आगे की तरफ जाएगा और कांवरिया पथ में जो है बालू को गिराएगा। उसके बाद जो है और एक ट्रैक्टर आएगा जो कि बालू को समतल करेगा। तो देख सकते हैं आप, ये ट्रैक्टर जो है अब यहाँ से घूम के आगे की तरफ जा रही है। और ये रह गया बिहार झारखंड का गेट, और इसी गेट से जो है अभी ये ट्रैक्टर निकलेगी और अभी जाएगी कांवरिया पथ में बिहार के तरफ। और जो है बालू डंपिंग का काम जो है ये प्रारंभ हो चुका है पूरे कांवरिया पथ में। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ट्रैक्टर जा रही है और ऐसे ही करके पूरे में जो है बालू गिराया जाएगा। ये देखिए, इधर जो है बालू गिर चुका है क्योंकि मेरे आने से पहले इधर काम शुरू हो गया था और अभी जो है यहाँ तक बालू बिछा मतलब गिराया गया है। इसी बालू को जो है आगे लेवल कर दिया जाएगा पूरे कांवरिया पथ में। तो आप देखिए किस प्रकार से जो है ये बालू अभी डाला जा रहा है। और देख सकते हैं ये जो है सुल्तानगंज जो है यहाँ से आपको 86 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन ये जो 86 किलोमीटर आपको ये कच्ची कांवरिया पथ, उसके बाद जो है 3 से 4 किलोमीटर आपको पक्की कांवरिया पथ जो है देखने को मिलेगा सुल्तानगंज गंगा घाट के पास। ये देखिए, ये जो है बालू गिरना प्रारंभ हो चुका है पूरे कांवरिया पथ में। इसी तरह से जो है अभी बालू डंपिंग किया जा रहा है, मतलब जो बालू एक जगह पर रखा हुआ था उसे कुछ दूरी पर इस प्रकार से ट्रैक्टर द्वारा गिरा दिया जा रहा है ताकि जो है जल्दी से जल्दी बालू बिछ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी बालू बिछने का काम प्रारंभ होगा वो मैं आके दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है यहाँ पर बालू गिरा दिया गया, फिर जो है ट्रैक्टर यहाँ से घूम कर वापस इधर जाएंगे जहाँ पर बालू रखा हुआ है। तो ये देखिए, पूरे रास्ते में जो है इस प्रकार से बालू थोड़े थोड़े दूर पर गिरा के रख दिया गया है। इसी बालू को जो है और एक जो है ट्रैक्टर आएगी उससे पूरा जो है लेवल कर दिया जाएगा और पूरे कांवरिया पथ में बालू बिछ जाएगा। और ये बालू बिछाने का काम प्रारंभ हो चुका है और मैं जो है आपको ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप कांवरिया पथ में किस प्रकार से जो है अभी बालू बिछाया जा रहा है। और यही ट्रैक्टर अभी उधर गई थी और फिर से जो है ये ट्रैक्टर वापस आ चुकी है। और ये रह गया बिहार द्वार, बिहार झारखंड का जो ये बॉर्डर का गेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसी के बगल में जो बालू रखा हुआ था जो हमने आपको पहले दिखाया था, बस उसी बालू के पास ये ट्रैक्टर फिर से आ चुकी है। और यही जो है महीन वाला बालू था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, गंगा जी का बालू जो कि बहुत ही महीन होता है, सभी कांवरियों को जो है इसमें चलने में सुविधा होगी, इसलिए जो है ये बालू बिछाने का काम जो है इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो आपको हमने दिखाया यहाँ पर जो बालू रखा हुआ था उसे जो है गेट के इस तरफ से डंप करना प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि जो है बिहार सरकार का ये बालू बिछाओ का काम चल रहा है, झारखंड का अभी प्रारंभ नहीं हुआ है काम, क्योंकि झारखंड में महज जो है आपको 6 से 7 किलोमीटर तक का ही कांवरिया पथ, कच्ची कांवरिया पथ मिलती है। तो वो जो है एक दिन में ही काम जो है पूरा हो जाएगा बालू बिछावन का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा। इस कारण से अभी उधर बालू बिछावन का काम नहीं प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर जो है काम प्रारंभ जो हो चुका है वो तो मैंने आपको दिखाए, वहाँ पर जो है बालू ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है, उसके बाद जो है कांवरिया पथ में इधर बिहार के तरफ जो है थोड़े थोड़े जगह पर जो है बालू को डंप किया जा रहा है, उसके बाद जो है ट्रैक्टर के द्वारा उसको पूरा लेवल किया जाएगा। तो जैसे ही लेवलिंग का काम प्रारंभ होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर ये देख सकते हैं जो है कांवरिया पथ में यहाँ पर बिहार के तरफ जो दुकान वगैरह का स्ट्रक्चर है वो अभी ज्यों का त्यों है, क्योंकि अभी दुकानों में काम नहीं प्रारंभ हुआ। तो चलिए फिलहाल जो है
इधर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बालू जो है लेवल करने का काम होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो और भी हम लोग का हौसला बढ़ता है। नहीं कि वही तो सपोर्ट कर रहा है भाई, और भी अच्छा अच्छा जो हम लोग को वीडियो दिखाना है कांवरिया पथ का, और भी अच्छा वीडियो दिखाना है सावन मेले का। तो देख सकते हैं अभी जो है कांवरिया बमजी सब चल ही रहे हैं, और ये कांवरिया बमजी जो है दो बड़े बड़े घड़ों में गंगा जल लेकर आ रहे हैं। जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था बालू डंपिंग का, बालू बिछावन का, उसी दौरान देखिए ये कांवरिया बमजी यहाँ से निकले। बहुत ही ज़्यादा जो है इनके कांवर में वजन था, जिस कारण से हमने उनको नहीं रोका, नहीं तो मैं रोक के भी उनके जो है कुछ बात भी करते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वजन था, उनको रोकना भी जो है अच्छा नहीं होगा, जिस कारण से मैंने छोड़ दिया। अब जो है कुछ ही देर में यहाँ पर जो है बालू लेवल का काम होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक का अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा जो बालू डंप किया हुआ था उसे थोड़ा थोड़ा करके जो है अभी बराबर कर दिया जा रहा है, क्योंकि जेसीबी यहां से आगे की तरफ जाएगी तो उससे जो है थोड़ा थोड़ा बराबर करते हुए ही आगे की तरफ जा रही है, और इसके बाद जो है यहां पर ट्रैक्टर द्वारा बालू को जो है लेवल किया जाएगा ताकि कांवरियों को पूरे कांवरिया पथ में चलने में सुविधा हो। तो इसी प्रकार से जो है जेसीबी आगे तरफ निकल जाएगी और पीछे से ट्रैक्टर आएगी लेवल करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं पूरा एकदम बिहार झारखंड बॉर्डर से ही अब बालू को जो है लेवल करने का काम प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए ये ट्रैक्टर लग चुका है और इस प्रकार से ये बालू को लेवल कर रहे हैं। तो पूरे कांवरिया पथ में इसी प्रकार से जो है 2-3 इंच का बालू बिछने वाला है। देखिए ये जो है काम प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया जो बालू डंप किया जा रहा था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, और ये देखिए अब जो है बालू लेवल होना भी प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार से पूरे कांवरिया पथ में जो है बालू लेवल हो जाएगा, बालू बिछ जाएगा, उसके बाद इस पर जब सभी कांवरिए चलेंगे तो उनको जो है चलने में सुविधा होगी। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको जो है एकदम पूरा झारखंड और बिहार के दुमा बॉर्डर से ये दिखा रहा हूँ किस प्रकार का काम यहाँ पर जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर फिर से जो है इधर आके वापस लग चुकी है अपने काम में। अब जो है चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि बालू को पहले थोड़ा सा लेवल किया गया, अब कांवरिया पथ में जो है दोनों तरफ किनारों में भी जो है बालू बिछाना, इसलिए अब जो है कांवरिया पथ में जो बालू रखा हुआ था उसे चौड़ा करके बिछाने का काम जो है चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक पूरे कांवरिया पथ में बालू बिछेगा, उसके बाद जो है झारखंड में भी जब बालू बिछेगा वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो है बिहार का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया दुमा बॉर्डर के पास किस प्रकार से जो है बालू बिछाने का काम प्रारंभ हो गया। अब जब बालू बिछ गया है, बालू लेबल हो गया, उसके बाद अब हम लोग अगर कांवरिया पथ में बाइक लेके जाते हैं तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बालू में अब चक्का हम लोग का फंसेगा और पूरा कांवरिया पथ में हम लोग को उसी प्रकार से धीरे धीरे बाइक लेके जाना है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो इतना मेहनत करके अब आप लोगों के लिए वीडियो बना के हम लोग लाएंगे, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और हर वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते देखते ही एक लाइक हो जाता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपको एक बार लाइक का बटन जो है टच कर देना है और साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो जो है शेयर कर देना है ताकि उनको भी पता लग जाए सावन मेले की क्या तैयारी चल रही है और इस वर्ष जो है कांवरिया पथ कैसा होने वाला है, क्या कुछ सुविधा जो है उन लोगों को मिलेगा सावन मेला 2023 में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर से जो है आप लोगों को आगे भी कांवरिया पथ का ब्लॉग मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ।